देखिए, हमारी पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है, लेकिन पार्टी रही है। और एक समय ऐसा था जब हरिद्वार से समाजवादी पार्टी का सांसद भी था, और अगर हम उससे पहले का देखें उठा करके, तो समाजवादी पार्टी के जगह जगह पर विधायक भी जीतते थे। और कुछ काम अगर हम याद करें तो समाजवादियों की बड़ी देन है। मुझे एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने पिथौरागढ़ के रनवे की फोटो भेजी और उसने कहा कि कभी नेताजी ने ये शिलान्यास किया था। तो सोचिए आप, पिथौरागढ़ का नेताजी का शिलान्यास किया हुआ आज भी हवाई अड्डा चालू नहीं है। मुझे याद है जब एनडी तिवारी जी का मैं जन्मदिन मनाने आया था हल्द्वानी में, उस समय फोर लेन सड़क जो बरेली से आपकी बहेड़ी जोड़ती है, उत्तराखंड को जोड़ती है, वो फोर लेन सड़क स्टेट के बजट से बनी थी, लेकिन आज भी उसके आगे फोर लेन सड़क नहीं बन पाई। जिस समय चीन का लद्दाख का मसला उठा था, सवाल खड़ा हुआ था, समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी थी जिसने ये कहा कि ग्वालियर, आपका बरेली, फतेहगढ़, कैंट को जोड़ने वाली जो लिप्पू लेक तक रोड है वो सिक्स लेन बनाई जाए। सोचिए, 10 साल पूरे हो गए हैं, चुनाव होने जा रहा है, आप आस्था के लिए किस स्थान पे बैठते हैं और कहते हैं कि इस स्थान से किसी इस स्थान की ऊंचाई दिखाई देती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस सीमा तक सिक्स लेन सड़कें या जो बॉर्डर का इलाका है जहां चीन खड़ा हुआ है, उस बॉर्डर के इलाके में सिक्स लेन या उस तरह का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए था? तो ये सवाल बड़े हैं। उत्तराखंड में हमारी पार्टी का संगठन बनेगा, भविष्य में कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़े। गठबंधन कितना मजबूत है इंडिया? गठबंधन बहुत मजबूत है, गठबंधन के साथ साथ पीडीए पीडीए भी मजबूत है, और पीडीए जिताएगा आगे चीजों को। कांग्रेस और सपा मतभेद? कोई मतभेद नहीं है, उनके सोचने का तरीका कुछ और है, हमारे सोचने का तरीका और है। हम ये कहें कि हरिद्वार में हमारी पार्टी का सांसद रहा, हम यहाँ पर संगठन बनाएंगे, हमारी पार्टी बनाएंगे, क्या इससे किसी की नाराजगी हो सकती है? यहाँ घाट बने, मान लो समाजवादी सरकार में जो घाट बना है हरिद्वार ऋषिकेश में, सर हरिद्वार में तो जो घाट बने हैं तो समाजवादियों ने बनाए। अगर हम ये पार्टी का काम करने लगे तो किसी दल को ये लगेगा कि ये पार्टी क्यों बना रहे हैं।